हेलो, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। तो आप तमाम खबरों की अपडेशन के लिए, तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। और अब आते हैं आज की खबर पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होना है और ये बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इंटरनल डेमोक्रेसी को लेकर के, जो कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं और अब सीधा मुकाबला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच है। लेकिन जब से ये पूरा चुनाव अनाउंस हुआ है कई उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। चाहे हम गहलोत की एंट्री और एग्जिट की बात करें या बाकी नामों की चर्चा की बात करें, चाहे हम दिग्विजय सिंह के नाम की बात करें, तो तमाम नाम सामने आए थे लेकिन नाम फिर आखिर में जो फाइनल हुए थे मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही साथ शशि थरूर। शशि थरूर युवा चेहरा है पार्टी का और मल्लिकार्जुन खड़गे वरिष्ठ नेता है। अब जो चुनाव की बात आ रही है कि 17 अक्टूबर को जो है चुनाव होगा और सामने आएगा कि किसके हाथ ही कमान जाएगी। लेकिन इस पूरे सफर के दौरान ये चीज सामने देखने में आई है कि इस पूरे इलेक्शन कैंपेन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को तमाम पार्टी के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं उनका सपोर्ट मिला है, वो जहां गए उनका सपोर्ट मिला है। और शशि थरूर ने इस पूरे कैंपेन के दौरान बहुत बार शिकायत की है। उनका ये कहना है कि उनको सपोर्ट नहीं दिया जा रहा, जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। हालांकि को शशि थरूर खुद को युवा चेहरा मानते हैं और उनका ये भी कहना है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर रहे हो लेकिन यूथ जो है वो शशि थरूर के साथ है। और शशि थरूर का ये भी कहना है कि जब भी वो पीसीसी में जाते हैं, यानी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यहाँ जाते हैं, तो उनका स्वागत भी ठीक से नहीं किया जाता। सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर उनका जो है अच्छा स्वागत किया गया, खुद कमलनाथ उनसे मिलने के लिए पहुंचे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें तो वो भी गांधी परिवार का आशीर्वाद पाने के लिए सीधे पहुंचे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने के लिए। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 1000 किलोमीटर का अपना सफर तय करती है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो है इस यात्रा में उनके साथ शामिल होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें गांधी परिवार की, तो हर एक को गांधी परिवार का आशीर्वाद चाहिए ही होता है। ये हम शुरू से देखते आए हैं। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ था तब भी, अगर पूरी बात करें, जब ये पूरा इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ और अशोक गहलोत का नाम सामने आया और सोनिया गांधी की नाराजगी तब सामने आई जब बगावत कर दी अशोक गहलोत ने कि वो जो है किसी भी कीमत पर, क्या जो सचिन पायलट हैं उनको सीएम नहीं बनने देंगे, उनका एक धड़ा एक ग्रुप ये बोल रहा था, तो इसको लेके तमाम नाराजगी सामने आई। खुद गहलोत जो है सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, अपोलॉजी लेटर दिया, तमाम चीजें सामने आई। तो शुरू से लेकर अभी तक की बात करें, चाहे खड़गे के मिलने की बात करें राहुल गांधी से, तो हर कोई गांधी परिवार का आशीर्वाद चाहता है। लेकिन अब 17 अक्टूबर को जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग होगी तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कमान किसके हाथ में आती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कमान संभालते हैं या शशि थरूर संभालते हैं कमान? क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, वो कमान संभालते हैं तो उनको ऑलरेडी बहुत लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। वहीं शशि थरूर की नाराजगी कि उनको वरिष्ठ नेता सपोर्ट नहीं कर रहे। अब ऐसे में अगर शशि थरूर जो है वो किसी भी तरीके से, हालांकि इसकी पॉसिबिलिटी जो है जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रही कि शशि थरूर जो है इस अध्यक्ष पद को जीत सकते हैं जिस तरीके से सपोर्ट खड़गे के साथ है, तो अगर वो बन भी जाते हैं तो उनके सामने और अलग तरह के चैलेंजेस होंगे। और खड़गे बनते हैं तो खड़गे के साथ किस तरीके से कांग्रेस अपने आप को आगे ले जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के आज इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।